त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए पावन भक्तों के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हम भक्त भगवान के परम हुए माधवदास जी, उनके चरित्र का पावन जो है उसका अध्ययन करेंगे। जब भक्तों की गाथा का श्रवण करते हैं तो अन्य जो हैं आसपास सुनने वाले, जिन्हें प्रभु के नाम में ना तो श्रद्धा है ना प्रभु के चरणों में भक्ति है, ऐसे लोगों के अंतःकरण में भी भक्ति भाव जागृत हो जाता है। क्योंकि भक्तों का जो जीवन है बड़ा ही अद्भुत होता है, आनंद से ओतप्रोत होता है। भक्त किसी की भी परवाह किए बिना हर पल अपने काम में मस्त रहता है। भक्तों की भाषा सबके समझ में आ जाए थोड़ा कठिन है। ऐसे संत माधवदास जी हुए, इनका बाल्यकाल थोड़ा कठिन रहा। पहले पिता का देहांत हुआ इनके, फिर कुछ समय माता का हो गया, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ऐसे माधवदास थे। बचपन में भी भगवान ने हर पल कदम कदम पर उनका साथ दिया, लेकिन प्रभु हमें कब संभालते हैं कब नहीं हमें पता नहीं होता, जबकि हर श्वास श्वास प्रभु ही हमारी रक्षा करते हैं। केवल जो चर्म चक्षु हैं उससे हम प्रभु का दर्शन कर पाएं, उन्हें समझ पाएं थोड़ा कठिन है। जब अंदर गोता लगाते हैं गुरु कृपा से या किसी मंत्र का जाप करते हैं, तब कहीं जाके झलक मात्र प्रभु का हमें एहसास होता है, अनुभूति होती है। दर्शन फिर भी नहीं होता। दर्शन तो केवल वो चाहे तभी हो सकता है। लेकिन भक्त की छटाएं जो हैं उनकी जो लीलाएं बड़ी अद्भुत होती हैं। तो भक्त जहाँ भी जाता है, जो भी दृश्य देखता है, कोई खाता भी है, पीता है, सोता है, जो कुछ भी एनी एक्टिविटी, उस सब में वो भगवान का ही दर्शन करता है। कोई भी क्रिया करे, कहीं सुंदर वृक्ष को देखा, लता पताओं को देखा, तो वहाँ भी भगवान के रूप सौंदर्य का ही दर्शन करता है कि मेरे भगवान की अद्भुत रचना है। ऐसे ही भक्त माधवदास हुए भगवान के परम भक्त। सखा भाव से उन्होंने प्रभु को भजा तो माँ भी चली गई। कुछ समय के बाद भगवान साथ में दाह संस्कार करवाते हैं, लेकिन माधवदास समझ नहीं पाते, छोटे से थे। शादी हो जाती है, फिर पत्नी उनकी हुई। पत्नी बहुत अच्छी थी उनकी, भगवत चरणों में प्रीति रखने वाली। तो पत्नी ने उन्हें प्रेरित किया, बहुत दुखी हो गए थे कि आप भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में जाकर के श्रद्धा से भगवत शरणागति को प्राप्त कीजिए, आपका कल्याण जरूर होगा। जब इतने शब्द पत्नी के सुने, भक्ति तो पहले से थी अंदर, लेकिन कोई मार्ग बताने वाला भी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, माता पिता भाई बंधु सखा गुरु कोई भी, जो हमें उस पथ के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे तुलसी बाबा की भी कथा सबने सुनी होगी, वो भी अपनी पत्नी के जो कटु शब्द थे कि इतनी प्रीति इस हाड़ मांस के देह से की, जो प्रीति की थी होती रघुनाथ से तो भव से पार हो जाते। इतने शब्द सुने जब उन्होंने अपनी पत्नी के, तो निकल जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो वही महान संत तुलसीदास जी बन गए। ऐसे ही माधवदास अपने पत्नी के वचनों को सुनकर जगन्नाथ भगवान पुरी धाम में पहुंच जाते हैं और वह एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। ठंड भी थी वहाँ, ज़्यादा ठंड नहीं होती है, फिर भी ठंड के मौसम में थोड़ा बहुत तो होता है। अब रात्रि का समय, रात तो और ठंडी हो जाती है। माधवदास एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और भगवत नाम का संकल्प ले लिया कि मैं तब तक प्रभु का नाम जाप करता रहूँगा जब तक वो मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं हो जाते। ऐसा संकल्प दृढ़ लेके बैठ गए पेड़ के नीचे और जय जगन्नाथ प्रभु जाप करना शुरू कर दिया। वहाँ के जो राजा थे, भगवान को हर रोज 56 भोग लगता, लेकिन प्रभु पहले अपने भक्तों के भोग को स्वीकार करते हैं, उसके बाद 56 भोग। तो ऐसे ही माधवदास जाप करते रहे निरंतर। खूब ठंडी पड़ रही है, फिर भी किसी चीज़ की परवाह किए बिना कंटिन्यू भगवान के नाम का जाप करते रहे। लेकिन भगवान तो भगवान है, अपने भक्त के जो निश्चल भक्ति होती है, निश्चल प्रीति होती है, उसे देख के भगवान पिघल गए। और माधवदास जहाँ ठंड में कड़कड़ा रहे थे,
उनसे रहा नहीं गया। तभी वहां से भगवान के मंदिर में भोग लगाने के लिए राजा स्वयं भी आते थे और पुजारी जी भी जाते। ये देख करके माधवदास तो अपनी भक्ति में लीन था, लेकिन आसपास के जो लोग थे उन सब ने देखा कि माधवदास ये तो भगवान की भक्ति में लीन है, लेकिन ठंड से कड़कड़ा रहा है। अब जगत तो जगत है, संसार के लोग जिसके लिए जो संकल्प लिया है वो वस्तु वहीं अर्पण करेंगे, चाहे सामने भूखा कोई तड़प के मर रहा है तो मर जाए, ये भक्ति नहीं होती। अगर कोई सामने व्यक्ति पीड़ित है और आप मंदिर में जा रहे हैं तो मंदिर में भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, तो उससे पहले जो भूखा आपके सामने आया उसको अगर भोग खिलाया होता तो वो प्रभु ही ग्रहण करते हैं। ये हर एक को समझ नहीं आता। जैसे कि संत तुकाराम जी हुए, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे, उनके साथ और भी बहुत सारे उनके भक्तों की टोली थी जो भगवान शिव पे जल को अर्पण करने के लिए श्रावण मास में, जैसे अभी प्रारंभ होने वाला ही है, वैसे ही निकल रहे थे। सभी उनके साथ वाले बहुत आगे निकल गए, संत तुकाराम जी थोड़ा पीछे रह गए। अब वो जब जा रहे थे, फिर से पालकी उठाया जो लेके जा रहे थे जल कलश में, सामने देखा एक गधा तड़प रहा है, वो प्यास से बेहोश पड़ा था। संत तुकाराम की दृष्टि उस पर पड़ जाती है, वो गए और जा करके उस गधे के मुंह में जो पानी भगवान शिव को चढ़ाना था वो गधे के मुंह में डाल दिया। अब जैसे ही गधे के मुख में डाला, उसको होश आया, थोड़ा चेतना आई, तो उसकी आंखें खुली, और आंख खुलते ही तुकाराम जी ने जैसे उसकी आंख में देखा तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान केवल मंदिर में विराजमान है, आपके सामने कोई भूखा प्यासा तड़प रहा है वहां भगवान नहीं, तो ये हमारी सोच गलत है। तो ये संत तुकाराम ने सिद्ध किया कि भगवान कण कण में है। वो एहसास भी तो होना चाहिए, केवल हमने शब्दों को सुन लिया कि भगवान सर्वत्र है, कण कण में है, पर अनुभूति तो है ही नहीं, तो अब भक्त कहाँ हुए। केवल रटे हुए शब्दों को, रटे हुए प्रार्थनाओं को हम भगवान को सुनाते हैं, प्रभु सुनते हैं, लेकिन एक भक्त की जो प्रार्थना निकलती है अंदर से, उसका आनंद ही अलग होता है। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि धन्य है मेरे भक्त जो इस मरे हुए बेहोश गधे में भी मुझे पहचान लिया। ऐसे ही माधवदास ठंड से कड़कड़ा रहे थे। राजा वहां से निकला, लेकिन उनके मन में आया कि इसको उड़ाऊं, फिर सोचे कि नहीं, ये तो जगन्नाथ भगवान के लिए लाया हूँ, पहले कम्बल प्रभु को उड़ाऊंगा। तो राजा उसको ऐसे ही कड़कड़ाते छोड़ गए और भगवान के मंदिर में जा करके सुभद्रा, बलराम और भगवान कृष्ण जगन्नाथ में ये तीनों भाई बहन विराजमान हैं। तो एक एक कम्बल सबको पुजारी जी के हाथ से चढ़वा दिया। अब भगवान सोचे कि इन्होंने कम्बल मेरे भक्त को दिया नहीं, मैं कैसे उड़ सकता हूँ। तो भगवान स्वयं कम्बल लिए और वहाँ से आकर जहाँ माधवदास पेड़ के नीचे बैठे जाप कर रहे थे, वहाँ जाके उनको उड़ा दिया। अब माधवदास ने जब कम्बल को उड़ा तो ठंड थोड़ा कम हुई और आँख खुल गई। अब जैसे ही प्रभु ने स्पर्श किया, माधवदास समझ गए कोई हो न हो साक्षात मेरे प्रभु आए हैं। जब भगवान के इतना प्यार देखा, चारों तरफ देखने लगा, लेकिन यकीन नहीं होता भक्त को जल्दी। तो ऐसे ही माधवदास जी थे, बोले वाह सखा, आपने मेरे लिए कम्बल भेजा है, क्योंकि सखा भाव से भजा था उन्होंने प्रभु को। तो भगवान साक्षात खड़े थे पीछे, बोले हाँ सखा, मैंने आपके लिए कम्बल भेजा है। बोले आपका तो बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद, ऐसे मखोल कर रहा है। तो बोले पीछे मुड़ के देखो। जब माधवदास ने देखा तो साक्षात प्रभु खड़े हुए हैं जिस रूम में भजते थे, और एक पल तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि भगवान आए हैं, लेकिन अगले क्षण माधवदास शांत हो जाते हैं और चुप हो जाते, खड़े होके देखते हैं कि ये मेरे भगवान कैसे हो सकते हैं, हो सकता है कोई मखोल कर रहा हो। तो जब इसको देखा तो बोले ना, मैं आपका भगवान जगन्नाथ हूँ, आप यकीन कीजिए। कहते मैं कैसे विश्वास कर लूँ, आप मेरे प्रभु हैं, मुझे विश्वास तो करना पड़ेगा, मैं हूँ तो हूँ। अब तो सुभद्रा और बलराम इस घटना को देख रहे थे, बोले अब प्रभु की मदद हमको करनी पड़ेगी। जब भगवान आ गए, विश्वास ही नहीं कर रहे, नकार दिया कि आप मेरे भगवान हो ही नहीं सकते। तो जब ये पता चला कि ऐसे करके मान ही नहीं रहा है, सुभद्रा जी भी पहुँच जाती हैं और उधर से बलराम जी भी आ जाते हैं। बोलते हैं हाँ सखा, ये आपके प्रभु जगन्नाथ जी हैं। बोलते मैं कैसे मान लूँ। कहते जब आपकी माता का देहावसान हुआ था, उस समय संस्कार करने के लिए आप बहुत छोटे, कोई आपके साथ न था, तब मैं ही आया था।
सारी घटना याद आ जाती है बचपन की, जो जो संकट आए और किसी न किसी रूप में प्रभु वेश बदल करके हर कदम कदम पर माधव दास का संयोग किया। तो सारी घटनाएं जब उसको बचपन की प्रभु ने याद दिलाई, उनकी पत्नी का स्मरण दिलाया कि आपकी पत्नी ने जब आपको प्रेरित किया तब आप जगन्नाथ धाम के लिए पधारे, वो मैं ही था, आपकी पत्नी के रूप में आपको प्रेरित कर रहा था। तो किसी न किसी रूप में प्रभु हर पल हमें चेतावनी देते हैं, हम समझ नहीं पाते, चाहे वो माता पिता हों, गुरुजन हों, कोई मित्र हो सकता है, भाई बंधु सखा कोई भी हो सकता है। जब एक भक्त भगवान की दृष्टि से देखता है तो प्रभु हर पल उसे अपना दर्शन देते हैं। तो माधवदास के मित्र के रूप में भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और उनकी कठोर तपस्या उन्होंने की। फिर बोले, अभी तक तो आपने मेरे को केवल दर्शन दिया है, हाथ मेरा भी नहीं पकड़ा है। इतनी प्यार करने के बाद भी माधवदास कहते हैं कि आपने मेरा हाथ ही नहीं पकड़ा। भगवान मुस्कराए, धन्य मेरा भक्त, वो हाथ दिखाया, फिर हाथ पकड़ो तो मैं जानूं कि आपने मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। भगवान प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, हाथ भी पकड़ लिया प्रभु ने माधवदास का। अब तो माधवदास की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, लेकिन बड़ा ही निश्चल भक्त था, श्रद्धा से प्रभु की भक्ति करता, कोई सामने दिन दुखी आता तो उसकी सेवा भी करता, जैसी श्रद्धा थी उसकी। अब ऐसे काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन बड़े प्यार से भगवान के लिए भोग बना रहा था, छोटी सी पर्ण कुटीर थी उसमें बैठता, दीपक जलाता और प्रभु को भोग अर्पण करता। तो भगवान उसके पास बुला रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे। अब बड़ा दुखी होके बैठा कि प्रभु मैंने इतने अच्छे भोग बनाए, अभी तक खाने क्यों नहीं आ रहे। तो पहले भगवान इससे पहले कर्मावाई की खिचड़ी खाते थे। कर्मावाई भगवान की परम भक्त हुई, बहुत ही श्रद्धा से प्रभु के लिए भोग बनाती, पहले स्वयं चखती उसके बाद भगवान को अर्पण करती थी। तो जब कर्मावाई की खिचड़ी खा लेते उसके बाद ही प्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाके 56 भोग स्वीकार करते थे। तो ऐसे इनके साथ हुआ, कर्मावाई का खिचड़ी खाए भगवान, फिर उसे पूरा करके माधवदास के झोपड़े में पहुँचे। बड़ी स्वादिष्ट हलवा बनाया हुआ था माधवदास ने भगवान के लिए, श्रद्धा से बिठाता है, प्रभु ने भोज ग्रहण किया। फिर अगले दिन ऐसे ही हुआ, माधवदास भगवान के लिए 56 भोग बनाने का मन में आ गया कि आज कुछ और अच्छा बनाऊंगा। उस दिन तो सिंपल हलवा बना दिया, कुछ भी ड्राई फ्रूट आदि कुछ मेवा नहीं थे, भक्त तो भक्त होता है। तो माधवदास निकल पड़े भिक्षा लेने के लिए। एक उनकी पड़ोस में कोई थी, उन्होंने तो भिक्षा दे दी, मौसी कहकर पुकारा, वो माता जी ने भिक्षा दी। अब उस भिक्षा को लेके माधवदास के मन में आया, थोड़ा ड्राई फ्रूट हो, मेवा वगैरह हो, तो आज भगवान के लिए खीर बनाऊंगा। तो एक पड़ोस में माता जी थी, बड़ी कंजूस, कभी किसी को कोई दान ना किया, घर का कचरा तक भी कोई उठा लेता तो उससे इतना झगड़ा करती कि कोई वहाँ से एक पत्ता भी उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एक दिन वहाँ से फल बेचने वाला निकल रहा था, तभी एक पत्ता उड़ के उसकी टोकरी में जाके गिरा। अब वो कंजूस माता जी बोली, तेरी टोकरी में मेरा पत्ता है, उसको वापस कर दे। बोला, माता जी मैंने कोई पत्ता नहीं लिया, मेरी टोकरी में कहाँ से आया। बोले, मैं सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लूँगी, अभी पत्ता देके जा। तो उसको लगा कि ये बुढ़िया तो ऐसे ही बोल रही है, देख लो भाई मेरी टोकरी में पत्ता नहीं है। बोले, देखो ये पत्ता रखा है। बोले, आप अपना पत्ता ले लो। पत्ता दिया, उठाया टोकरी, चल पड़ा। अब माता जी बोली कि तूने यहाँ पर टोकरी रखी और ये पत्ता भी तेरी टोकरी में था, इसका चार्ज तो कुछ देना पड़ेगा। बोले, ऐसे कैसे हो सर, मैंने तो पत्ता उठाया नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब माता जी तो सारी गुस्से में, उसको तो अभ्यास बढ़ा हुआ था दूसरों से छीनने का, कभी कुछ दान किया नहीं। तो ऐसे ही सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला सब शोर मचा, इससे अच्छा एक फल इसको दे दो। बोले, जो सबसे बढ़िया फल है वही देना। ठीक है, दे दिया। अब बोला, आज इस गली में आया, इसके बाद कभी दोबारा यहाँ से निकलूंगा नहीं। और वहीं पे माधवदास खड़े सारा दृश्य देख रहे थे। माधवदास बोले, आज इन माताजी से भिक्षा मुझे लेनी है तो लेनी है। अब पहुंच गए माधवदास जी, बोले, माता थोड़े ड्राई फ्रूट वगैरह दे दो, आज मैं भगवान के लिए खीर बनाऊंगा। अब माता बड़े गुस्से में देखी, बोली, कोई ड्राई फ्रूट नहीं मेरे पास, एक पत्ता भी ना मिलेगा मेरे घर से, जाओ यहाँ से। अब माधवदास तो माधवदास, प्रभु की प्रेरणा से पहुंचे वहां पे, क्योंकि इनका उद्धार तो करना ही था माता जी का। जब माधवदास को भिक्षा नहीं दी
तो वो वहां पर अड़ गए, उपदेश देना शुरू कर दिया कि जिस दिन इस दुनिया से जाओगी कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है, केवल आपका कर्म, जो आपने पुण्य किए वही साथ जाएंगे माता, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बुढ़िया बोली, अपना प्रवचन अपने पास रख, मैं एक कौड़ी ना दूंगी तेरे को। अब तो माधव सासु अड़ गए क्योंकि प्रभु की प्रेरणा से आए थे, वहीं खड़े हो गए, फिर से माता को समझाने लगे। अब तो जो गुस्से में आई, बोली तेरे को दक्षिणा ही चाहिए ना, तो जो मैं दूंगी वो लेना पड़ेगा। बोले ठीक है माता, जो देना है दे दो। अब वो चूल्हा, घर का जो माताएं गांव में होती हैं, चूल्हे पे भोजन पकता है, उसकी पुताई कर रही थी एक कपड़े से, वही कपड़ा उठाया मिट्टी में लदा हुआ और माधवदास को फेंक के मारा। माधवदास के पूरे चेहरे पे मिट्टी। माधवदास बोले धन्यवाद माता, कुछ तो दिया। उसी कपड़े को लेके चले गए, अपनी कुटिया में जाके पहुंचे। उससे पहले एक दुकानदार बैठा था, बोला माधवदास आज आप ये क्या लगा के घूम रहे? बोले कुछ नहीं है, एक माता ने बहुत बढ़िया दान दिया है। बोले क्या लेने गए थे? बोले सोचा आज भगवान के लिए खीर बनाऊंगा, उसमें मेवा वगैरह थोड़ा डालूंगा। इस भाव से गया था लेकिन मेवे तो मिले नहीं, ये पोछा मिला है, पर ये भी कुछ काम आएगा। ऐसा सोच के माधवदास निकलते जा रहे थे, तभी दुकानदार बोला रुको, मैं आपको देता हूँ प्रभु के लिए। उनके पास एक सिक्का भी था, बोले इसे आप रख लो और मेवा दे दो। बोले ना, आप मेवा भी लेके जाओ और यह सिक्का प्रभु के चरणों में मेरी तरफ से अर्पण कर देना। अब माधवदास की मिल गए मेवा, खुशी खुशी जा रहे कुटिया में। भगवान के लिए सुंदर खीर पकाई माधवदास जी ने, मेवा भी डाला, सब कुछ रखा। तभी श्रद्धा से प्रभु का आह्वान किया और भगवान साक्षात बैठ करके माधवदास के सखा के रूप में भोजन ग्रहण करते थे। तो माधवदास की खीर खाने के लिए आए। अब जैसे ही प्रभु ने खीर का भोग लगाया, पूरी खीर उठा के पी गए। बोले धन्य मेरा सखा। माधवदास बोल रहे मन ही मन, प्रभु मुस्कराए क्योंकि भगवान तो अंत्यकरण की जानने वाले हैं। एक चावल का दाना उसमें पड़ा हुआ था, माधवदास ने श्रद्धा से उसको उठाया कि मेरे प्रभु ने इतना मेरे लिए भोग छोड़ा है। उसे खा के दोनों तृप्त हुए। प्रभु बिना कुछ बोले माँ करवाबाई की झोपड़ी की तरफ चल पड़े। माधवदास ने सोचा ये मेरे मित्र हैं लेकिन मैं इसे छुपाते क्यों हैं, आज इनका पीछा करूंगा, आखिर जाते कहाँ हैं। तो माधवदास की झोपड़ी से निकले, जगन्नाथ मंदिर पास में ही था, दोनों वहीं पर कुटिया बना के रहते थे। तो ऐसे ही एक दिन जगन्नाथ भगवान निकले वहां से कुटिया से, और कर्माबाई के पास में थोड़ी सी कुटिया थी, दरवाजा खोल के घुस गए। अब माधवदास के मन में आया ये मेरे से बड़ा भक्त कौन है कि भगवान सीधा बिना कुछ बोले इसके झोपड़े में घुस गए। चुप करके माधवदास देख रहे थे, प्रभु की ये भी एक लीला थी, कुछ सिखाना था, तो इसलिए माधवदास को वहाँ पर उन्हीं की प्रेरणा से पहुँचते हैं। जब माधवदास वहाँ पर पहुँचे तो खिड़की में जाके देख रहे हैं, कर्माबाई खड़ी अपने जो कपड़ा पहना था उसी से पात्र को साफ कर रही है और भगवान के लिए खिचड़ी परोसी। अब खिचड़ी लेकर के जैसे ही प्रभु के सन्मुख रखी, गर्म थी थोड़ी, भगवान ने उठा के खाने का प्रयास किया, कर्माबाई ने भगवान को रोक दिया। बोले ठहरो प्रभु, इसे थोड़ा फूंक दूं, गर्म है तब खाना। भगवान ने बोले ठीक है फूंक दो, उसको ठंडा किया। फिर बोले भगवान ठहरो, मैं थोड़ा चख लूं इसमें नमक वगैरह कम तो नहीं है। प्रभु बोले चख लो, क्योंकि भगवान अपने भक्त के भाव के भूखे होते हैं, क्या पवित्रता है, क्या शुचिता है, किस 56 भोग बनाए कि नहीं है, उसमें घी पड़ा है कि नहीं, ये प्रभु देखते ही नहीं। मेरा भक्त जिस भाव से मेरे लिए बनाता है भगवान उसे बड़े प्यार से ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही कर्माबाई की वो जूठी खिचड़ी कर्माबाई स्वयं चखी, उसी हाथ से भगवान को उठा के भोग लगा रही है। अब ये दृश्य माधवदास ने पहली बार देखा, बोले बड़ी गजब की भक्त है भगवान की, जिससे खुद का ही जूठा प्रभु को भी खिला दिया। अब भगवान बड़ा स्वाद ले लेकर कर्माबाई की खिचड़ी खा रहे। तो जैसे कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लग रहा था उसी समय मंदिर का घंटा बज गया, क्योंकि महाभोग प्रभु को लगे उससे पहले प्रभु वहां पहुंच जाते थे, लेकिन आज थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि कर्माबाई की खिचड़ी पकी, तो थोड़ा प्रभु ने प्रतीक्षा की। तो गए मंदिर में जाकर के, भगवान चले गए, बैठ गए जाके, वहां भी भोग ग्रहण किया। ऐसे ही फिर माधवदास को भगवान ने प्रेरित किया कि आप कर्माबाई के झोपड़े में जाओ और उन्हें शुचिता का पाठ पढ़ा के आना। अब तो माधवदास बड़ी चिंता में,
बोले प्रभु ये आपके इतनी बड़ी भक्त हैं, मैंने कैसे बोलूंगा, और वो भी मेरे से तो बहुत पहले की भक्त है, मैं तो अभी अभी आपको स्वीकार किया हूँ। तो भगवान बोले कि ये काम तो आपको करना पड़ेगा चाहे कैसे भी करो। माता जी की झोपड़ी में माधव दास जी घुस जाते हिम्मत करके, खाने के लिए बैठ गए नीचे। तो माता बोले नीचे नहीं आसन ग्रहण कीजिए, मेरे भगवान ही आए आपके रूप में, मैं आपके लिए खिचड़ी लेके आती हूँ। तो माता रसोई में जाके देखती है, खिचड़ी तो थी नहीं ताजी, बासा हुआ पड़ा हुआ था। बोले अब मैं इसको क्या खिलाऊं। तो माधव दास बोले कि माता चिंता की कोई बात नहीं, आपके पास जो है उसी का भोग अर्पण कीजिए। माता जी ने ले जाके रख दिया। अब माधव दास जी गए, उनके सुचिता का पाठ पढ़ाना था। बोले कि जब मेरे लिए लाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को जब भोग लगाओ तो पहले सारा घर स्वच्छ करना, चूल्हे को लिपाई करना, फिर पात्रों को अच्छे से साफ करके फिर आप नहाना, फिर भगवान के लिए पकाना। अब तो कर्मा बाई का होश उड़ गया कि भगवान इतने दिन से मेरे पास आते थे, मैं उन्हें जूठन खिलाती रही अपनी। अब जब माधव दास के ये शब्द सुने तो माता बोली ठीक है ऐसा ही होगा। एक दिन प्रभु आ गए और माता जी का भोग पका ही नहीं था। बोले प्रभु आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, कोई खिचड़ी नहीं पकी, आज आप क्या खाएंगे। भगवान बोले आप चिंता मत करो, मैं प्रतीक्षा करूंगा, आपको जैसे पकाना है पकाओ। भगवान बैठ गए। अब तो माता ने कभी सफाई की नहीं, जैसे रहती उसी भाव में भगवान के लिए खिचड़ी पकती। तो जैसे खिचड़ी पकाई सफाई करी, थोड़ा विलम्ब हो गया। कर्माबाई को लगा आज तो भगवान चले गए होंगे, भूखे चले गए होंगे। फिर आके देखती है कि प्रभु तो बैठे हैं। बोले भगवान आज आप भूखे चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने खिचड़ी नहीं पकाई है और मुझे थोड़ा विलम्ब होगा, आप वहाँ बिना खाए जा सकते हो। भगवान ने ना आप खिचड़ी पकाइए, मैं खा के ही जाऊँगा। कर्माबाई खिचड़ी पकाती है, एक बार पकाई तो खिचड़ी गिर गई। बोले अब क्या करूँ, अब तो प्रभु चले ही जाएंगे। फिर देखते फिर से भगवान बैठे हुए हैं और मंदिर का घंटा बज चुका था। फिर से खिचड़ी पकाई दूसरी बार में, खिचड़ी पक गई, लेकर के आई भगवान के सन्मुख रख दिया। बोले खिचड़ी खिलाओ। बोले ना भगवान आज तो मैंने इसे खुद भी चखा नहीं है और ना मैंने खिचड़ी को हाथ लगाया है, आप स्वयं ग्रहण कर लो। भगवान बोले ठीक है। प्रभु ने कटोरा उठाया, खिचड़ी का भोग लगाया, वैसे ही मंदिर में घंटा बज गया। अब प्रभु को पता था कि वहां भी पहुंचना जरूरी है, तो भगवान बिना हाथ धुले जिस हाथ से खिचड़ी खाई थी, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाके पहुंचते हैं। और जैसे ही घंटा बजता है, वहां पर पंडित सभी पुजारी जो थे मंदिर के, प्रतीक्षा कर रहे भगवान की कि अभी तक आज प्रभु आए नहीं, भोग ग्रहण नहीं किया, क्योंकि पुजारी को पता लग जाता था कि भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया, बहुत सिद्ध पंडित रहते थे जगन्नाथ मंदिर में। तो जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, सभी प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु की कि आए और भोग को ग्रहण करें। तो जैसे ही पुजारी मंदिर में घुसे, उनकी दृष्टि सीधे भगवान के श्री विग्रह पर गई। बोले आज भगवान ने खिचड़ी कैसे खा ली, 56 भोग जो लगाएगा उस पर खिचड़ी तो है ही नहीं, प्रभु के हाथ में खिचड़ी कैसे लगी है, और मुख पे भी खिचड़ी, क्योंकि कर्मावाई लोटा लेके आती प्रभु का हाथ धुलाने, उससे पहले भगवान जा चुके थे, उनका हाथ धुले बिना ही मंदिर में जाके विराजमान। अब तो पूरे मंदिर में हलचल हो गई कि आज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया तो लगाया किसने, ये पता लगाओ, क्योंकि राजा 56 भोग बनवाते फिर भोग लगाते भगवान को। अब कर्माबाई जल का लोटा लिए पीछे पीछे प्रभु के चली आ रही थी, वो भी मंदिर में पहुंच गई। अब सब में अफरा तफरी मची कि भगवान के हाथ में खिचड़ी आई तो आई कैसे। अब पुजारी कहते हम तो यही बैठे, यहाँ तो कोई आया ही नहीं, कौन खिचड़ी खिलाया किसी को पता नहीं, सब ने देखने लगे। अब कर्माबाई बहुत बेचारी घबराई, बोली कि मैं तो हाथ भी जूठा, कर्माबाई के हाथ में भी खिचड़ी है, हाथ में लोटा है। अब वो खिचड़ी का हाथ देखा तो माधव दास जो थे उनने कहा कि अब तो भगवान मुझे बोलना पड़ेगा, आप तो आओगे नहीं। माधव दास बोल उठे कि ये खिचड़ी जो भगवान के हाथ में है वो कर्माबाई का बनाया हुआ भोग है। अब तो सब मखौल उड़ाने लगे कर्माबाई का, ऐसे कैसे हो सकता है। तो माधव दास ने सिद्ध किया कि ये भगवान की परम भक्त हैं। माधव दास तो सिद्ध भक्त थे, ये सबको पता था, लेकिन कर्माबाई को किसी को नहीं पता। तो कर्माबाई को भी संसार में प्रसिद्ध करने के लिए प्रभु ने ये सारी लीला रची, और भगवान की जो भक्ति थी वो माधव दास को भी मिली
और कर्मावाई दोनों भगवान के प्रसिद्ध भक्त हुए। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ, अगले अंक में फिर देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।